हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू क्लास 11th अकाउंटेंसी। बट आवर चैप्टर इज गोइंग ऑन BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इन आवर प्रीवियस क्लास लेक्चर्स वी हैव डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू रिकनसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। हमने डिस्कस किया था ये एक स्टेटमेंट है जो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच करने के लिए बनाया जाता है। किस केस में? व्हेन बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑफ बैंक कॉलम विल नॉट मैच विद द पासबुक, या फिर आप ये भी बोल सकते हो बैंक के स्टेटमेंट में और कैश बुक के बैंक कॉलम के जो बैलेंस होता है उन दोनों में अगर डिफरेंस होगा, इन दैट केस एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर नोन एज द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एंड टुडेज लेक्चर वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो बेटा करने से पहले, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप समझ लीजिए, वी हैव कैश बुक। यहाँ पर कैश बुक का मतलब है बैंक कॉलम, क्लियर? देयर टू टाइप इन डबल कॉलम कैश बुक, देयर विल बी कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। सो हेयर वी हैव टू थिंक अबाउट ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड देन पासबुक। कैश बुक प्रिपेयर्ड बाई कस्टमर एंड पासबुक प्रिपेयर्ड बाई बैंक। आपको क्या क्या करना है? आपके क्वेश्चन में दो मेथड है। यू कैन प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड विद द बैलेंस ऑफ पासबुक। दो मेथड है। आइदर आप कैश बुक के बैलेंस को लेकर आप अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए तो आपके आंसर में पासबुक आएगा। तो बेटा देखिए, जब आप बैलेंस विद द कैश बुक से स्टार्ट करेंगे देन यू विल गेट बैलेंस ऑफ पासबुक, और जब आप बैलेंस ऑफ पासबुक से स्टार्ट करेंगे देन यू विल गेट बैलेंस ऑफ कैश बुक। करना क्या है? जब आप कैश बुक के बैलेंस को लेंगे तो आपके आंसर में क्या आएगा? पासबुक। आपको करना क्या है? जो जो पासबुक ने किया है एज इट इज़ आपको करना है। पासबुक में प्लस है तो आप भी प्लस करोगे स्टेटमेंट में, पासबुक में माइनस है देन आप भी माइनस करोगे। पासबुक में प्लस है, कैश बुक में प्लस कर दिए और आपने कुछ भी नहीं किया है तो आप वापस से माइनस कर दोगे। आपको सब कुछ किसकी तरह करना है बेटा? आपको सब कुछ पासबुक की तरह करना है, हर एक चीज़ आपको पासबुक को फॉलो करना है। कैश बुक, जब आपके क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कैश बुक से होगी, क्वेश्चंस में कैश बुक गिवन होगा। अगर आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है? बैलेंस एज पर पासबुक, तो आंसर में क्या आएगा? कैश बुक। तो आपको सब कुछ कैश बुक की तरह करना, कैश बुक में प्लस है तो आप भी प्लस करोगे, कैश बुक में माइनस है तो आप भी माइनस करोगे। कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ है, क्लियर? कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ और आपने प्लस कर दिया है तो आप वापस से माइनस कर दोगे। कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ, आपने माइनस कर दिया तो आप वापस से प्लस कर दोगे। ये हमारे कुछ हैं मेथड हैं। और आपका जो मेथड है बेटा, दो बैलेंस हम ले सकते हैं। जो पहला आपका बैलेंस होगा वो होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। जो पहला मेथड होगा उसमें क्या होगा? बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक में दो बैलेंस होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। प्लस के बैलेंस को आप लोग बोलोगे डेबिट बैलेंस और माइनस के बैलेंस को आप लोग बोलोगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, ठीक है? आप जब अपने क्वेश्चन को कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो आपके आंसर में क्या आएगा? बैलेंस ऑफ पासबुक। पास अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच करने के लिए आप वो सब कुछ करोगे जो पासबुक ने किया है, ठीक है? आप सब कुछ किसको फॉलो करोगे? पासबुक के। तो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं ताकि देखिए आपको बेटर तरीके से समझ में आए। मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन जो है हमारी एपीसी बुक का है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, क्लियर बेटा? न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है एपीसी बुक का, इलस्ट्रेशन नहीं है, न्यूमेरिकल है। और आप बेटा बहुत अच्छे से करना, मैं न्यूमेरिकल्स में यहाँ लिख नहीं रही, पढ़ रही हूँ, रीड आउट कर रही हूँ और उसके पॉइंट्स को मैं बस यहाँ पर बेटा अमाउंट लिखूंगी बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट इन ऑल द अमाउंट। सबसे पहले आप फॉर्मेट देख लीजिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, क्लियर? ऊपर हेडिंग आएगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट,
फॉर द ईयर, सॉरी एज ऑन, जो भी डेट में आप बना रहे हो वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे. बेटा यहाँ पर मेरे लिए इतनी छोटी सी स्पेस में सारे पॉइंट्स लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको समझा रही हूँ करना किस तरीके से है. सबसे पहले आप लिखोगे अगर कैश बुक गिवन है तो बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, प्लस का होगा तो आप अमाउंट प्लस के कॉलम में लिखेंगे. और जब सारी एडजस्टमेंट, कुछ अमाउंट, कुछ आइटम प्लस होंगे, कुछ आइटम लेस होंगे, और सारी एडजस्टमेंट के बाद जो आपका आंसर निकलेगा वो होगा बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, आपके आंसर. देखो मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाती हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड. आपके क्वेश्चंस में गिवन है रिमझिम लिमिटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एपीसी बुक. रिमझिम लिमिटेड मेंटेन अ करेंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च 2017. द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस 1,53,000. जो बैंक कॉलम है वो आपका डेबिट बैलेंस बता रहा है, ठीक है. बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, डेबिट बैलेंस ऑफ 1,54,300. बेटा कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है प्लस का बैलेंस. कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है प्लस का बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस. फर्दर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है चेक, तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर, बेटा यहाँ स्पेस नहीं है, ऊपर आप हेडिंग डालोगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, क्लियर. आप सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस, जो भी आपके क्वेश्चंस में बैलेंस गिवन है लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक. बैलेंस एज पर कैश बुक 1,54,300, क्लियर. बैलेंस एज पर कैश बुक 1,54,300. फिर आप अपने पॉइंट्स लिखेंगे, तो देखिए हमारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसको हम मेंशन करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक. बेटा याद रखना हमें जब हम बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो हमें किसको फॉलो करना है बेटा, पासबुक को, ठीक है. पासबुक में प्लस है तो आप भी प्लस करोगे, पासबुक में माइनस है तो आप भी माइनस करोगे. तो बेटा यहाँ पर देखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक. हमारा क्रेडिट, हमारा डेबिट प्लस होता है और बैंक का क्रेडिट प्लस होता है. तो बेटा हमने तो प्लस कर दिया, देखो यहाँ पर चेक डिपॉजिटेड बाय बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, हमने तो प्लस कर दिया है लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है, इसका मतलब बैंक ने अभी तक प्लस नहीं किया है. तो हम पासबुक के बराबर लाने के लिए हम क्या कर दें, माइनस. तो यहाँ लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बाई बट नॉट क्रेडिटेड बाई बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाई बैंक 75,000, क्लियर, 450, ठीक है. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, हमने प्लस कर दिया है, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है, मतलब बैंक ने अभी तक प्लस नहीं किया है. तो हमें बैंक को ही फॉलो करना है, तो हम क्या करते हैं, बैंक के बराबर लाने के लिए माइनस करते हैं. ध्यान रखना हमें वो सब कुछ करना है जो बैंक ने किया है. अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो हमें किसको फॉलो करना है, पासबुक को, यानी कि बैंक को. जो आपका सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट जो है हमारा क्या गिवन, इसमें चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. हमने माइनस कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक क्या किया है, माइनस नहीं किया है. तो हम बैंक के बराबर लाने के लिए क्या कर दें, प्लस कर दें. इफेक्ट क्या होगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, जीरो हो जाएगा, हम बैंक के बराबर आ जाएंगे. तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हम माइनस कर देंगे, सॉरी हम प्लस कर देंगे. चेक इशूड
क्यों प्लस किया, हमने माइनस कर दिया है, बैंक ने माइनस नहीं किया, तो बैंक के बराबर लाने के लिए हम उसको वापस से प्लस कर दें। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो बेटा हम माइनस कर देंगे, हाउ मच, सॉरी हम प्लस कर देंगे 80,760। फिर देखो नेक्स्ट थर्ड जो है आपका, बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस का मतलब होता है माइनस के आइटम में है और अभी भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैंक ने माइनस कर दिया और हमने कुछ भी नहीं किया, तो हम भी माइनस करेंगे, ठीक है, बिकॉज हमें किसको फॉलो करना है, हमें बैंक को फॉलो करना है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक चार्जेस, बैंक बैंक चार्जेस, हम लिखेंगे बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस बेटा हम माइनस करेंगे क्योंकि बैंक ने माइनस कर दिया, हमने कुछ किया नहीं है, तो हमें भी माइनस करना होगा 1135। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्या है, चेक रिसीव्ड बाय बैंक डायरेक्टली फ्रॉम ट्रेड डेटर्स। तो बेटा डायरेक्टली डेटर्स ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक डायरेक्टली प्लस हो गई है, तो बैंक के बराबर लाने के लिए हम भी क्या कर दें, प्लस, तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, हाउ मच अमाउंट, 1,35,135,200 प्लस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हमारे कहने पर बैंक ने हमारे अकाउंट को माइनस कर दिया और हमें बैंक को फॉलो करना, तो हम भी क्या कर दें, माइनस। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या हो जाएगा, आपकी अमाउंट माइनस हो जाएगी। तो बेटा देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीमियम पेड बाय बैंक हाउ मच, 15,400, क्लियर, 15,400। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बेटा डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक ने हमें डिविडेंड दिया यानी कि बैंक ने प्लस किया है, तो हम भी क्या कर दें, प्लस। तो डिविडेंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक, बेटा देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूँगी किस तरीके से करना है, 1,000 रुपीज। अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन खींचनी है, एक इस तरीके से लाइन खींचनी है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों के कॉलम का टोटल आपको लिखना है, कितना हो रहा टोटल। तो अगर हम माइनस के कॉलम का टोटल करते हैं तो चेक करते हैं कितना आएगा, प्लस के कॉलम का टोटल 0, ठीक है, 6, देन 7, 10, दोबारा 12, 2, 1 आया, ठीक है, 5, 1, 6, 7, 7, एंड देन 4, 7, 4, 11, 1, ठीक है, 1, 1, देन 5, 6, 14, 14, एंड 3, 14, 15, 16, 17, 17 के 7, देन 1, 1, 1, 2, एंड 3, 3,71,000। कैलकुलेशन चेक कर लेना, हो सकता है कुछ रॉन्ग हो गया, 3,71,260। माइनस की कॉलम को देखिए तो कितना होगा टोटल, तो 5, देन 5 and 3, 8, 85, देन 4, 1, 5, 5 और 4, 9, 5 और 4, 9 हो गया आपका,
देन 5, 4, 1, 6, 6 और 5 और 1, 5, 6, 6 एंड 5, 11, देन 7 एंड 8 एंड 9। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन की मिस्टेक हो। तो 371,260 में से अगर 919,985 अगर आप माइनस करोगे तो देखो आपका आंसर कितना आएगा, 5, देन 15 में से 8, 7, इतना तो ठीक आ रहा है। बेटा जो आंसर आप लिखोगे अगर प्लस ज़्यादा है तो अमाउंट कहाँ पर आएगी बेटा, प्लस के कॉलम में ही अमाउंट। आप यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो अमाउंट कहाँ लिखोगे आप, प्लस के कॉलम में लिखोगे और यहाँ पर लिखोगे बैलेंस एस पर, ऊपर क्या है कैश बुक है, तो आंसर में आएगा बैलेंस एस पर पासबुक। ठीक है, इस तरह से लाइन खींच के और आप इसको माइनस कर लेना, जो भी अमाउंट आएगी, जो आपका आंसर एक्चुअल में आंसर आएगा वो आंसर होगा 2,97,275। इसको वापस एक बार हम लिख देते हैं, शायद मैच हो जाए, एक कोशिश और मैं करती हूँ। 2 लाख दिख जाएगा आपको, 2,79,275। मेथड आपको समझ में आ जाएगा, प्लस और माइनस का ही थोड़ा सा ध्यान रखना, 275 ये 7 है बेटा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अमाउंट मैच कर लेना आंसर में कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार वापस 5, 5, 10 हो गया, 9 और 1, 9, 10, 9 बराबर आ रहा बेटा, राइट है, बिल्कुल करेक्ट है, टोटल दोनों की सही है, मैंने चेक कर लिया है। ये आपका मेथड था, थोड़ा सा होसपोस हो रहा है लेकिन आप समझ जाना मैंने पॉइंट आपको किस तरीके से समझाई है। एक क्वेश्चन सा और छोटा सा कर लेते हैं तो बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं इसके छोटे छोटे से पॉइंट हो। अगेन वी विल ड्रॉ फॉर्मेट, ऊपर मैं हेडिंग नहीं लिखूंगी क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम हो जाएगा, लेकिन आपको लिखना है बैंक रिकंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट, क्लियर। You have to write down ये आपका प्लस का है, ये माइनस का और ये क्या है आपका पर्टिकुलर्स। आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बैलेंस एस पर, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3 है आपकी बुक का। On 30 June 2020, the bank column of Mohan Kapoor cash showed a debit balance of 12,000. On checking the cash book with bank statement, you find that. तो लिखेंगे हम सबसे पहले debit balance as per या फिर balance as per cash book. बेटा cash book का debit का balance आपका plus का balance होता है, तो balance as per cash book आप लिख सकते हो या फिर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिख सकते हो जो आपको ठीक लगे, या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक आप लिख सकते हो, और आइदर पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक भी आप लिख सकते हो। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, जो हमारा बैलेंस है डेबिट बैलेंस है वो क्या है आपका प्लस का है, सो यू विल राइट इन प्लस कॉलम 12,000। ऑल ऑफ यू राइट ऑन 12,000 इन प्लस कॉलम बिकॉज इट इज़ अ प्लस बैलेंस और डेबिट बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट बेटा अगर हम देखते हैं तो क्या गिवेन है हमारे क्वेश्चन में, इट इज गिवेन चेक पेड इन टू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक 6,500 वर क्लियर एंड क्रेडिटेड बाई बैंक अप टू 30 जून। बेटा हमने जो पेड हमने बैंक में प्लस किया है, ये जो आपके ऐसे बना देती हूँ, हमने जो प्लस किया है बेटा
वो है 8000 और जो बैंक ने प्लस किया वो सिर्फ 6500। हमने प्लस कर दिया 8000 और बैंक ने प्लस किया 6500। हमें किसके बराबर प्लस करना है? हमें सिर्फ बैंक को ही फॉलो करना है। तो हम क्या करें, 8000 में से हमने प्लस किया 8000 और बैंक ने प्लस किया सिर्फ 6500, तो इसका मतलब है अगर हम 1500 माइनस कर दें तो हमारा बैलेंस बैंक के बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे हम चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक हाउ मच अमाउंट बेटा, 1500 अगर हम क्या कर दें माइनस कर दें तो हमारा बैलेंस बराबर आ जाएगा बैंक के। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, चेक 9200 वर इशूड बट ऑफ दिस चेक ओनली 7000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून। हमने माइनस किया है, वापस एक बार ध्यान रखना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। लिखेंगे यहाँ पर चेक इशू, चेक सेंट, चेक सेंट बट नॉट क्रेडिटेड 1500। बेटा अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट के हमारे क्वेश्चंस में बोल रहा है हमने क्या कर दिया बेटा, हमने 1500, हमने 9200 हमने माइनस कर दिए और बैंक ने माइनस किया सिर्फ 7000 और हमें बैंक के बराबर लाना है, तो रिमेनिंग अगर हम प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 2200 हम प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा इंट हमारे अमाउंट क्या होगी, हमारा होगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हाउ मच 2000 शिट, शायद पूरा क्वेश्चन ही रफ हो गया आपका, कोई बात नहीं मैं वापस से एक बार अमाउंट लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे प्लस और माइनस की। ठीक, ये हमारे दो कॉलम है बेटा, एक प्लस का है और एक माइनस का। प्लस में हमारी अमाउंट थी 12000 की, माइनस में हमारी फर्स्ट पॉइंट में वापस नहीं लिख रही पूरी थ्योरी 1500 की, प्लस एंड देन माइनस, ये प्लस और ये माइनस, बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में 12000, फर्स्ट पॉइंट था हमारा माइनस का 1500, सेकंड पॉइंट है हमारा प्लस का 2200। क्लियर? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट, थर्ड में क्या था, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट। बेटा रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट, तो आप ये देखिए रिसिप्ट मतलब डेबिट साइड, डेबिट साइड कैश बुक का यानी कि प्लस का कॉलम है 200 रुपये से अंडरकास्ट है, तो बैंक के बराबर लाने के लिए हम क्या करें, अंडरकास्ट मतलब हमने कम दिखाया है तो हम प्लस कर दें 200 से, अंडरकास्ट मीन्स कम दिखाया है 200 से हम प्लस कर दें तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा। तो लिखेंगे डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक, कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, अंडर कास्ट 200 रुपये हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ, द पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 330 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंकर एंड डेबिट ऑफ 6 बाय बैंक चार्जेस। पासबुक ने 330 रुपये प्लस किए हैं और 60 रुपये माइनस किए हैं, हमें पासबुक को ही फॉलो करना है तो हम भी प्लस कर दें और माइनस कर दें। तो लिखेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
330 प्लस हो जाएगा और बैंक चार्जेस माइनस हो जाएगा 60 रुपीस। क्या कर दें माइनस में। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, ऑन 29th June अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3000 डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट बट इट वाज इंटर्ड इन पासबुक। तो बेटा बैंक में प्लस हो गया है तो हम भी क्या कर दें प्लस कर दें। तो कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड। हैंड राइटिंग में थोड़ा सा ध्यान मत देना, मैं पॉइंट लिख रही हूँ और बाकी क्वेश्चंस में गिवन है तो आप वहाँ से कॉपी कर लेना। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर, हाउ मच अमाउंट बेटा हमें प्लस करना है 3000। अब देखो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप यहाँ पर क्या करोगे टोटल करेंगे प्लस और माइनस के कॉलम का। ये आपका था चेक सेंट, चेक सेंट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक एंड था चेक इशूड। अब हम क्या करेंगे प्लस के कॉलम को प्लस करेंगे माइनस के कॉलम को माइनस, तो यहाँ पर होगा 5 1560 और इसका जो टोटल होगा वो होगा 03 एंड देन 3 to 5 5 to 7 7 एंड देन 3 to 5 5 to 7 1730 और माइनस करेंगे 1560। तो देखो हमारा आंसर कितना आएगा, कुछ गड़बड़ हो रही क्या टोटल में? आ जाएगा आंसर आराम से। आंसर जो बेटा निकलेगा वो हमारा आंसर प्लस और माइनस करेंगे तो बेटा हमारा जो आंसर निकलेगा वो होगा बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर कैशबुक होगा तो आंसर निकलेगा पासबुक। तो देखिए इसको हम मैच कर लेते हैं, आंसर को माइनस कर लेते हैं 0 13 में से 6 गया तो आपका आया 7, ठीक है 13 में से 6 गया तो 7 एंड देन 6 में से 5 गया तो आपका आएगा 1, 7 में से 1 गया तो 6 1, आपका आंसर आ रहा है 16170 16170। और बेटा देखो बिल्कुल राइट आंसर है, यही आपके आंसर में गिवन है। इस तरह से फॉर्मेट आप लास्ट में क्लोज कर देंगे एंड आई होप आपको समझ में आया होगा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम है, ऊपर हेडिंग डालेंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट है आपकी 30 जून, आई थिंक सो 30 June 2020 इज गिवन इन योर क्वेश्चन। तो बेटा आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।